हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूट्रिशन फ्रेश। आई एम डायटिशियन दृष्टि भोज। सो आज हम दूसरा एक टी की रेसिपी जानेंगे और टी के बारे में जानेंगे। तो वो है अजवाइन टी, जिसको बोलते हैं कैरम सीड टी, और उसका वाटर भी बना सकते हैं। तो ये जो अजवाइन है उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये अजवाइन है कैरम सीड, वो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो उसके अलग अलग हम रेसिपी बनाएंगे, उसके टी और वाटर ये दोनों बन सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उसको ओवरनाइट सोक करेंगे, यानी कि 1 ग्लास ऑफ वाटर लेंगे। उसके अंदर हम 1 स्पून कैरम सीड यानी कि अजवाइन सीड्स डालेंगे, 1 स्पून। उसको पानी से कवर कर देंगे, पूरा पानी है 1 ग्लास के अंदर, और उसके अंदर 1 स्पून अजवाइन। ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून से और उसको कवर कर देंगे और उसको पूरी रात छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम उसको स्ट्रेन करेंगे, छानेंगे और उसको हम पियेंगे। अर्ली मॉर्निंग पीना है हमें उठने के बाद, तो उससे बहुत सारे हमारे बॉडी में बेनिफिट मिलते हैं। तो वो मैं बेनिफिट आपको आगे बताऊंगी, अभी देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। सो ये है अजवाइन के फायदे। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा रहता है, यानी कि जो गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, या फिर हमें कभी कभी पेट में दर्द होता है, या फिर डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, तो ये हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत ही अच्छा बनाता है। सेकेंड थिंग है, हमारा मेटाबॉलिज्म उससे फास्ट होता है। कई कई बार कैसा होता है कि कई लोगों को खाने के बाद डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म उनका लो होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और जो भी खाना हम खाते हैं वो 4 to 5 आवर्स के अंदर जल्दी से हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ अगर ये विंटर है तो मैंने पहले भी एक रेसिपी जो आपको दिखाई थी वो विंटर के लिए है। ये अजवाइन है वो भी, उसकी तासीर गर्म होती है, तो वो भी है गर्मियों के लिए, ठंडी के लिए। ठीक है, तो ये है सर्दियों में जो हमें बहुत सारी ठंडी अभी हो रही है, तो ये जो टी या फिर आप वाटर यूज करेंगे या फिर कोई और रेसिपी में भी हम यूज करते हैं कुकिंग में, तो इससे शरीर के अंदर गर्माहट आती है, तो हमारा शरीर जो है वो कफ एंड कोल्ड से बचा रहता है। नेक्स्ट, अगर हमें कान में या फिर ईयर में, नोज में पेन कभी कभी होता है, तो उससे हमारी जो दादी माँ या फिर हमारी मदर थी, मम्मा थी, वो क्या करते हैं, उसका ऑयल बनाते थे, कैरम या फिर अजवाइन का ऑयल बनाते हैं, और उसको कान में डालने से या फिर टूथ एक होता है किसी को, तो उसपे लगाने से उसको इंस्टेंट आराम मिलता है। सेकेंड है, उसका ऑयल बना के हमें, या फिर थोड़े से कोकोनट ऑयल के अंदर ही उसका ऑयल बना के उसको हेयर में लगाने से जो हमारे व्हाइट हेयर है वो ग्रे यानी कि ब्लैक भी हो जाते हैं। उसका एक और फायदा ये है कि हमारा जो आर्थराइटिस, जिसको प्रॉब्लम होता है, जिसको बोलते हैं गठिया का दर्द, तो उसका ऑयल हमें नी के आजू बाजू लगाने से या फिर जॉइंट्स पे लगाने से उसमें इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है। फिर क्या होता है कि कभी कभी पीरियड्स के अंदर आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं होते किसी को, तो उसके अंदर भी उसको रेगुलर हो जाते हैं, यानी कि 15 डेज 20 डेज उसकी टी अगर आप अर्ली मॉर्निंग पीते हैं तो वो उसमें भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और पेन बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा है किडनी का जो भी प्रॉब्लम होता है किसी को, तो उसकी आप टी लेते से उसको जो किडनी का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है। और मेन जो थिंग है हमारा वो है वेट लॉस, तो इससे वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है, इंच लॉस बहुत अच्छा मिलता है। आप वन मंथ कंप्लीट आप इसका अर्ली मॉर्निंग टी बना के पिए या फिर उसका वाटर, में आपको नेक्स्ट बताती हूँ, वैसे आप बना के पिए तो आपको बहुत ही अच्छा वेट लॉस में रिजल्ट मिलता है, इंच लॉस होता है, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा करता है, आपकी हेयर और आपके बालों को, आपके जॉइंट्स को और आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है सारी चीजों को अच्छे से वो करता है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, तो ये भी उसके एक फायदे हैं, उसमें है आप देख लीजिए कि ये सारी जो रेमेडीज है, तो उसको आप अजवाइन को कैसे यूज करने से आपको कौन सी चीज में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और मेन जो थिंग है वो है ये टी। सो ये टी आप रेगुलर 15 डेज पीने से आपको बहुत ही इंच लॉस का आपको दिखेगा, कि विजिबल दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इंच है वो 40 की साइज है और 1 मंथ के बाद आप मेजर करोगे तो 4 इंच आपका पूरा बॉडी से बहुत ही इजीली गायब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, तो उसकी टी हम कैसे बनाएंगे। उसकी टी ऐसे कलर की दिखती है, रेडिश और या फिर वाइन कलर की बनती है ये टी। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले आपको एक पैन लेना है। ठीक है, उसके अंदर आपको पानी डालना है,
पानी डालने के बाद आपको थोड़ा सा वन स्पून आप अजवाइन या फिर हाफ स्पून आप अजवाइन डालिए, कैरम सीड डालिए और उसको बॉईल कीजिए। ठीक है, बॉईल कब तक करना है आपको? 5 मिनट्स के लिए आपको बॉईल करना है, 1 ग्लास वाटर 5 मिनट्स के लिए आपको बॉईल करना है और उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लीजिए तो आपका टी रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपको अर्ली मॉर्निंग बनाना है, उठने के बाद आपको ये टी बनाना है। उसके पहले मैंने वाटर दिखाया, ओवरनाइट सोक करना है और नेक्स्ट ये रेसिपी है कि आपको ये बॉईल करना है अजवाइन 1 ग्लास वाटर के अंदर, उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लीजिए और आपका टी इज रेडी। अर्ली मॉर्निंग आप पी सकते हैं, बिफोर स्लीप सोने के पहले भी आप ये टी पी सकते हैं। तो ये टी ऐसा लिखता है, अगर आपको स्ट्रेन करना है तो भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो वैसे भी आप उसको सिप सिप करके पी सकते हैं। तो आप जरूर से उसको ट्राई करिएगा, 15 डेज 1 वीक जरूर से उसको ट्राई कीजिएगा और उसके बाद आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या बेनिफिट हुआ है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, थैंक यू सो मच।